जय माता की। दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जैसे कि दोस्तों मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग पर बोला था कि मैं आपको एक ऐसी जगह का शेयर कराऊंगा, एक ऐसी जगह को आपको दिखाऊंगा जो फाइनली मैं आ चुका हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये संगम है, मुरे नदी की संगम है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक नदी निकली हुई है, मैं और आपको और दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जैसे एक नदी यहाँ से आई हुई है और आप देख सकते हैं, मैं चारों तरफ घूम के दिखाऊंगा दोस्तों, और एक नदी इधर से निकली हुई है, आप देख सकते हैं ये वाली नदी दोस्तों, जो यहाँ पे एक संगम होता है। मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाने वाला हूँ जो शायद आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस तरीके का रास्ते से हमको जाना पड़ रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, हमको और ऊपर जाके पूरी वीडियो शूट करना है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत मजेदार ये वीडियो होने वाला है, तो चलते हैं दोस्तों और आगे का मुजारा देखते हैं। वैसे भी तो थक चुका हूँ दोस्तों, फिर भी कोशिश करूँगा कि पूरी वीडियो शूट करूँ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं जो मैं आपको दिखाने वाला था। तो हाँ दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो पर और आते जाइएगा मेरे साथ में। दोस्तों जो ये रास्ता जो है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी गुणवत्ता है दोस्तों, इसमें वही लोग क्रॉस हो पाते हैं। इसकी जो क्वालिटीज है जो भी कह लें आप, इसमें से वही लोग गुजर पाएंगे जिसकी मन साफ होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको ये बहुत सकला रास्ता मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, और यहाँ से सीधे नदी, जहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ है, मैं डायरेक्ट वहाँ तक आपको लेके जाऊँगा। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों और आते जाइएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से कितना ढाल है, और आगे आपको यहाँ से आगे दोस्तों आपको नदी दिखता होगा, यहीं से नदी की उद्गम हुई है, और आगे जाके जो मैं आपको फर्स्ट में दिखाया था वहाँ पे संगम हो गया है, मतलब दो नदियों का मुलाकात हुई है वहाँ पे, दो नदियों का मिलन हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको और आगे का मुजारा दिखाता हूँ, चलिए आइएगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर जहाँ से नदी की उद्गम हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों जहाँ तक मेरी उंगली जा रही है वहाँ तो पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे नदी क्रॉस करना पड़ेगा और पानी भी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं वहीं से ही इस नदी की उद्गम हुई है, और इतने पतले रास्ते से आना पड़ता है दोस्तों। हालांकि सभी लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ढाल वाला रास्ता है, चढ़ाव उतार वाला रास्ता है, पथरीली रास्ता है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग का गाँव जो है दोस्तों पहाड़ों और नदियों से और जंगलों से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी पसंद करते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा और अपना मुझे प्यार दीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेके आता रहूँगा। जय माता की दोस्तों।